नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सतना में बोले पीएम मोदी, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। प्रधानमंत्री आज मेवाड़ में 8 विधानसभा को साधेंगे। राजस्थान में बदला मौसम, बीकानेर गंगानगर में बारिश। प्रियंका ने किया सवाल, भाजपा वाले लाडली बहना पे चुनाव जीतेंगे क्या। और डोटासरा ने 3 नामांकन फॉर्म भरे, इन्हें सबसे ज्यादा 6070 बार डाउनलोड किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना की चुनावी सभा में कहा, मतदान से पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के थके हारे चेहरों में एमपी के युवाओं का कोई भविष्य नहीं दिखता, इसलिए एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां तबाही लाई। पीएम ने कहा, 3 दिसंबर को सरकार की वापसी पर पीएम आवास का काम तेजी से शुरू होगा। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें ये रही। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से पूरे देश में खुशी की लहर है। जिन्हें अभी घर नहीं मिला उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। आज विश्व में चारों तरफ बम बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही है। हम मानवता के लिए दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम 6 बजे उदयपुर में सभा होगी। सभा को संबोधित कर वे सड़क मार्ग से डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। भाजपा ने सभा को लेकर कार्यकर्ताओं को शाम 5 बजे का समय दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मेवाड़ में ये पहली सभा है। इसमें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा के प्रत्याशी, समर्थक और विधानसभा से लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां कर ली है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज मौसम फिर से बदल गया। पाकिस्तान से लगती सीमा के एरिया में आज सुबह कुछ जगह हल्की बारिश हुई। गंगानगर में कोहरा भी छाया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में आई इस बदलाव का असर कल भी राज्य के कुछ एक हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 11 नवंबर से प्रदेश में मौसम फिर से साफ होगा। तापमान गिरने से हल्की सर्दी बढ़ेगी। राज्य में आज सुबह बीकानेर से लगते बॉर्डर एरिया और गंगानगर के बज्जू रावला एरिया में हल्की बारिश हुई। यहाँ सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में उत्तर भारत जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हुआ उससे पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज एमपी के चित्रकूट में हैं। उन्होंने मझगवां के मिचकुरिन में जनसभा में कहा, शिवराज सरकार ने 22,000 घोषणाएं की होंगी लेकिन पूरी केवल 22 की ही की। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा वाले लाडली बहना से चुनाव जीतेंगे क्या, 18 साल से सरकार चला रहे, पहले घोषणा क्यों नहीं की। प्रियंका विंध्य क्षेत्र के चित्रकूट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के समर्थन में सभा कर रही हैं। सभा के मिचकुरिन में उसी स्थान पर हो रही है जहां से वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 फॉर्म 1546 बार, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 4 फॉर्म 531 बार डाउनलोड हुए। राजस्थान में जो चेहरे पूरे 5 साल तक चर्चा में बने रहे वे अब अपने नामांकन फॉर्म को लेकर भी चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट उन्हीं में से एक हैं। इन दोनों के नामांकन फॉर्म को सबसे ज्यादा लोगों ने देखने में रुचि दिखाई है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले डोटासरा के 3 नामांकन फॉर्म को 6,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। राजस्थान के अजमेर रोड स्थित बाइक शोरूम में बुधवार रात भीषण आग लग गई। सोडाला थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से शोरूम में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। चीफ एयर ऑफिसर देवेंद्र मीणा ने बताया कि अजमेर रोड सोडाला पर टीवीएस कंपनी का बाइक शोरूम है। रात करीब 9 बजे शॉर्ट सर्किट से शोरूम में आग लग गई। आग की लपटों के साथ धुएं के गुब्बार को उड़ता देखकर दहशत फैल गई। आग लगने पर वहां मौजूद वर्कर ने शोरूम में खड़ी बाइक को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जोधपुर शहर के न्यू हाईकोर्ट में कैंटीन कैफेटेरिया लीज पर दिलाने का झांसा देकर खुद को एडवोकेट बताने वाले एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। कैंटीन का काम किसी और को मिलने और 4 साल तक टालम टोल के बाद पीड़ित ने अब कोर्ट में इस्तगासे के जरिए बासनी थाने में मामला दर्ज करवाया है। जयपुर जिले में 6 प्रत्याशियों ने बिना पार्टी सिंबल के नामांकन भर दिया। जांच में निर्वाचन आयोग ने इनके नामांकन खारिज कर दिए। 16 प्रत्याशियों ने पैन व आयकर विवरण की सही जानकारी नहीं भरी तो 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र गलत भर दिए। जिले में 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए आए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 35 प्रत्याशी चुनावी मैदान से बाहर हो गए। निर्वाचन आयोग की जाँच में पाया गया
कि किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों के पूरे नाम पते ही नहीं भरे, किसी ने पैन नंबर और बैंक का विवरण गलत भर दिया। जयपुर पर दीपावली के बाजार सच कर तैयार हो गए हैं। पटाखों की भी अलग अलग वैरायटी बाजार में आ चुकी है। इसमें सबसे खास है इको फ्रेंडली पटाखे। इनके साथ अब की बार बाजार में 8,000 तरह के पटाखों की वैरायटी मौजूद है। चांदपुर बाजार में 15 साल से पटाखे की दुकान लगाने वाले दिलशाद ने बताया कि इस बार बाजार में आतिशबाजी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में नई नई वैरायटी के पटाखे आए हैं। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए पटाखे उपलब्ध हैं। पटाखा व्यापारी जावेद ने बताया कि बाजार में 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का पटाखा उपलब्ध है। चुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। पाली जिले में अब बड़े नेताओं का अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा लेने का क्रम कल 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से बाली और फिर सुमेरपुर पहुंचे। तय प्रोग्राम के तहत जयपुर से सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सुबह 11 बजे वे पाली पहुंचे, जहां गणगौर मेला ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में मतदाताओं से वोट करने की अपील की। इसके बाद वे 12:15 बजे रवाना होकर सुमेरपुर के शिक्षा रंगमंच मैदान पहुंचे। राजस्थान में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ने प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी संकाय भवन स्थानांतरण के साथ पहली बार वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिए टाइम फ्रेम जारी किया है। शिक्षा विभाग इस टाइम फ्रेम के माध्यम से AI तकनीक से पढ़ाने वाले वर्चुअल विद्यालय की मान्यता भी निजी स्कूलों के लिए जारी करेगा। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से भी संबद्धता लेने के इच्छुक शिक्षण संस्थाएं BNOC ले सकेंगी। इस संबंध में निदेशालय से DEO प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी PSP ने आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने 3 से 8 तक के बच्चों की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMB के माध्यम से जोधपुर सहित प्रदेश भर में ऑनलाइन OCR जनरेट कर परीक्षा ली है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पेपर ऑनलाइन ही अपलोड किए गए थे। अब इन कॉपियों की जांच शिक्षक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI तकनीक के माध्यम से होगा। इसमें कोई गुरुजी ना तो अपने चहेते स्टूडेंट पर मेहरबान हो सकेंगे और ना ही किसी को कम या ज्यादा नंबर मिलेंगे। RKSMB के आकलन प्रथम की 3री और 5वीं और 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक करवाई गई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने ATS की सूचना पर बुधवार रात पड़ाव क्षेत्र में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। स्कूटी सवार युवक युवती से 16,27,000 रुपये की नकदी बरामद की। पूछताछ में दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में बरामद रकम हवाला का पैसा माना जा रहा है। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार ATS टीम की सूचना पर रामगंज अजय नगर सदगुरु कॉलोनी के अजय नायक व झूलेलाल कॉलोनी की उर्वशी से रकम बरामद की गई। राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों विमानन कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। विमानन कंपनियों से राजनीतिक दलों ने चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। दरअसल ऐसा इसलिए भी क्योंकि चार्टर विमान केवल उन्हीं शहरों के लिए उड़ान भर सकते हैं जहां पर एयरपोर्ट सुचारू हालत में या फिर लंबी हवाई पट्टी उपलब्ध है। जयपुर के अलावा ऐसे शहरों में जोधपुर, उदयपुर और किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि एयरपोर्ट और करीब 8 हवाई पट्टियां ही चालू हालत में हैं। विमानन कंपनियों से जुड़े सूत्रों की माने तो वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्री भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में चार्टर विमान उपयोग में ले रहे हैं। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में मंदिर के सामने रेलिंग के लिए सड़क पर खोदे गड्ढे श्रद्धालुओं सहित आमजन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण श्रद्धालु आए दिन चोटिल हो रहे हैं। इन गड्ढों के कारण हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। वहीं राहगीरों, वाहन चालकों सहित श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।